रतन टाटा की मृत्यु के साथ आज हमारे देश में टाटा बिरला का वो युग भी समाप्त हो गया जिसकी भारत के घर घर में एक जमाने में चर्चा हुआ करती थी। नेता भी टाटा बिरला का नाम लेते थे और आम जनता भी अक्सर टाटा बिरला का नाम लेती थी, और अक्सर जब किसी अमीर व्यक्ति की बात की जाती थी तो लोग कहते थे उसकी तुलना टाटा बिरला से की जाती थी। और जब लोग ये कहते थे कि तुम टाटा बिरला हो तो वो ये समझते थे कि टाटा के जीवन में कोई समस्या और चुनौती नहीं होती होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा होना भी आसान नहीं है। अपने 86 वर्ष के जीवन में रतन टाटा ने कभी भी विवाह नहीं किया, वो आखिर तक अकेले रहे। उन्हें 4 बार प्यार तो हुआ, चारों बार वो शादी करने के काफी नजदीक भी पहुंचे, लेकिन उनकी शादी हो नहीं पाई। और आज भी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तब उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके साथ उनका कोई जीवन साथी भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा को इसका कभी कोई पछतावा नहीं था। सोचिए, उन्हें जीवन साथी नहीं मिला, उनका जीवन संतान सुख के बिना अधूरा रहा, लेकिन वो कभी भी इसकी वजह से निराश नहीं हुए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रतन टाटा होना आसान नहीं है। आज मैं भी रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये अनुभव आज से 5 वर्ष पुराना है, जब नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दिल्ली में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका शपथ ग्रहण समारोह था और उस समय इस राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में रतन टाटा मेरे बहुत नजदीक की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और तब उनके साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई। और ये जो समारोह था ये मई के महीने का समारोह है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मई में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है और समारोह बाहर था, ओपन में था। रतन टाटा सूट पहनकर आए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, रतन टाटा ने टाई पहनी थी, सूट पहना था, और 30 मई 2019 को गर्मी अपने चरम पर थी और कई घंटे तक यह समारोह चला, जिस दौरान रतन टाटा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं देख पा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र उस समय लगभग 81 वर्ष की के आसपास की रही होगी, और रतन टाटा लगातार गर्मी में परेशान हो रहे थे। और जब समारोह खत्म हुआ तो अचानक से वहां इतनी भीड़ हो गई और रतन टाटा उस वक्त ऐसी स्थिति में थे कि वो अपने असिस्टेंट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उनका असिस्टेंट जरूर उनके साथ आया लेकिन वो कहीं पीछे था, और शायद रतन टाटा अपने असिस्टेंट से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें यह नहीं पता था कि अभी यहां से कैसे जाना है, उनका असिस्टेंट कहां है और वो कैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचेंगे। और उस समय रतन टाटा के साथ मैं खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने असिस्टेंट तक कैसे पहुंचूं और कैसे मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। और ये कुछ मिनट थे जो मैंने रतन टाटा के साथ बिताए, और रतन टाटा उसके बाद धीरे धीरे वहां से बाहर की तरफ निकलने लगे। हालांकि जो बाकी के जो लोग थे वो उस समय जिन लोगों ने, जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी, लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उसके साथ लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, लेकिन रतन टाटा वहां से तुरंत निकल जाना चाहते थे। और वो लगभग 15-20 मिनट मैंने रतन टाटा के साथ बिताए, उनकी सादगी को देखा और ये भी देखा कि रतन टाटा जैसा जो व्यक्ति है वो भी किसी आम व्यक्ति की तरह वहां उस शपथ ग्रहण समारोह में आए। वो उनके साथ कोई 8, 10, 15, 20 लोगों की कोई टीम नहीं थी, और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी दूर खड़ी हुई है, मैं उस गाड़ी तक पहुंचना चाहता हूं और मुझे खुद नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहां है। इसलिए तब मैंने उनकी मदद की, उनका असिस्टेंट और उनके जो बाकी के जो लोग थे वो शायद काफी पीछे थे, वो आए और उसके बाद रतन टाटा वहां से गए। लेकिन ये कुछ मिनट जो मैंने रतन टाटा के साथ बिताए और कुछ घंटे मैंने लगातार उन्हें ऑब्जर्व किया, उससे मैं ये बात समझ गया कि रतन टाटा कितनी बड़ी शख्सियत है। और रतन टाटा का जो ऑरा है, यानी जब वो जहां बैठ जाते हैं उसके आसपास जो ऑरा वो क्रिएट करते थे अपनी सादगी के जरिए, अपने शुद्ध विचारों के जरिए, और जिस प्रकार से वो व्यवहार करते थे वो अपने आप में इतना विशाल है, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि हर व्यक्ति उन्हें देखकर ये कोशिश करेगा कि वो भी उनकी तरह सादगी से जिए, उनकी तरह वैसे ही जीवन में व्यवहार करे जैसे इतना बड़ा आदमी इतनी सादगी से व्यवहार करता है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि रतन टाटा जैसा व्यक्ति मुझसे थोड़ी दूर खड़ा हुआ है और कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है। वो अपने आप में एक बहुत शानदार अनुभव था।